आज हम प्लान देखेंगे 11 फीट बाई 40 फीट का। तो ये जो हमारा घर का नक्शा है, इसकी लंबाई 40 फीट की है और जो चौड़ाई है वो 11 फीट की है। तो बेसिकली ये हमारा फ्रंट हाउस प्लान है, यानी फ्रंट में आपका रोड आएगा, फ्रंट से आपको लाइट मिलेगी, एयर मिलेगी और वेंटिलेशन मिलेगा। और बाकी जो तीनों साइड है वो तीनों साइड क्लोज आएंगे, वो तीनों साइड घर आएंगे। तो गाइज आप वीडियो पूरा देखिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आएगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एंट्रेंस है यहाँ 11 फीट के साइड से। तो ये 3 फीट के डोर से हम अंदर जाएंगे हॉल के अंदर। हॉल का जो साइज है वो 10 फीट बाई 11 फीट का है। जो इसकी लंबाई है वो 11 फीट की है और जो चौड़ाई है वो 10 फीट की है हॉल की। हॉल के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दिया है। तो ये खिड़की हमारा यहाँ फ्रंट साइड में खुलेगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। हॉल से हम आगे जाए तो यहाँ पे ये 3 फीट का पैसेज दिया है। आप देख सकते हैं पैसेज के अंदर यहाँ पे ये स्टेयर्स दी है, सीढ़ियाँ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। तो हम यहाँ से चढ़ेंगे और यहाँ से टर्न हो के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। और पैसेज के आगे हम जाए तो आगे हमारा यहाँ पे ये किचन का एरिया आता है। किचन का जो साइज है वो 10 फीट बाई 6 फीट का है, यानी जो इसकी जो लंबाई है वो 6 फीट की है और जो चौड़ाई है वो 10 फीट की है। तो आप देख सकते हैं इतना आपको किचन एरिया मिलेगा। और किचन के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये विंडो यहाँ पे OTS के अंदर ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। और आपको ये कॉर्नर में स्पेस मिलेगी तो आप इसे वॉश एरिया की तरह यूज़ कर सकते हैं। इससे हम आगे जाए पैसेज के आगे तो यहाँ पे ये दरवाज़ा दिया है 2 फीट 6 इंच का। इससे हम अंदर जाएंगे WC+बाथ एरिया के अंदर, यानी टॉयलेट प्लस बाथरूम एरिया। इसका जो साइज है वो 4 फीट बाई 5 फीट 6 इंच का है। ये इसके अंदर हमारा कंबाइन होगा टॉयलेट प्लस बाथरूम। इसके अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये विंडो दिया है। तो ये विंडो भी हमारे यहाँ OTS के अंदर ओपन होगी तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा। इससे हम बाहर आए तो लास्ट में ये दरवाज़ा दिया है 3 फीट का। इससे हम अंदर जाएंगे बेडरूम के अंदर। तो बेडरूम का जो साइज़ है वो 10 फीट बाई 10 फीट का है। बेडरूम के अंदर वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे ये खिड़की दी है कॉर्नर में, तो आपको यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा बेडरूम के अंदर। तो गाइज आप देख सकते हैं ये तीनों खिड़की हमारी यहाँ OTS के अंदर खुलेगी। OTS जो होता है वो ओपन टू स्काई एरिया होता है, यानी ये ऊपर तक ओपन रहेगा तो आपको प्रॉपर वेंटिलेशन मिल जाएगा ये बैक साइड वाले एरिया के अंदर। तो इसका जो साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसका साइज रखा है 2 फीट 8 इंच बाई 3 फीट का। अगर आपको इससे बड़ा OTS प्रोवाइड करना है तो आप इससे बड़ा OTS भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो गाइज हमारा प्लान कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ गाइज, अगर आपको इसका प्रॉपर मेजरमेंट वाला, डायमेंशन वाला, 2D वाला वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऊपर आई टैब में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप वो भी जाके देख लीजिए तो आपको प्रॉपरली पूरा समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।